ब्राह्मण सम्मेलन नहीं है, सिर्फ ब्रह्मादेश के तहत हम लोगों ने एक आयोजन किया है। सर जात सर समाज के लोग वहाँ एकत्रित हो गए और एकत्रित होकर के आने वाले समय में क्या करना है, क्या जनता चाहती है, जनमानस में क्या इच्छाएँ हैं, क्या धारणाएँ हैं, उस तरीके से हम लोग आगे कदम उठाएंगे। और काम होगा कितने लोग शामिल होंगे या कोई अन्य पार्टियां से भी शामिल हो रहा है इस तरीके का कोई? जी नहीं, किसी अन्य पार्टी से कोई नहीं शामिल हो रहा है। और कितने लोग होंगे तो लोगों का आह्वान किया गया है, कितने लोग होंगे तो आने के बाद तैयारियां कितने तैयारी तो 10 एकड़ का ग्राउंड है, बहुत काफी लोग उसमें एकत्रित हो सकते हैं। क्या ये ब्राह्मण सम्मेलन ही रहेगा या मतलब पार्टी कार्यकर्ता भी रहेंगे समाजवादी पार्टी? नहीं, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ब्राह्मण सम्मेलन नहीं, ब्राह्मणों सहित सर्व जातियों का सम्मेलन। का मुख्य उद्देश्य क्या है? सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है कि जनता की इच्छा क्या है उसको जानना और आगे के समय में उस पर कार्य करना। 2022 को लेकर ये कितना बदलाव डालेगा आपका कार्यक्रम? बहुत बड़ा बदलाव डालेगा। ये जब तक चीज़ें आपके सामने निकल कर नहीं आएंगी तब तक इसके बदलाव का अंदाज़ा नहीं लगेगा, लेकिन मैं आश्वस्त हूँ कि बड़ा परिवर्तन आएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए।